गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और सो गाइस, आप लोग का स्वागत है वाराणसी जंक्शन से। सो गाइस, जैसा कि बता दें कि आज हम लोग की वाराणसी जंक्शन से कोई ट्रेन जर्नी नहीं होने वाली है, बट ट्रेन से जाने वाले हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 3rd AC का इंटीरियर, और कोविड के बाद AC ट्रेनों में कर्टेंस और ब्लैंकेट्स ये सब की सुविधा फिर से शुरू हो गई है, तो वही सब हम लोग देखने वाले हैं। की बात करें तो ट्रेन है 15160 सारनाथ एक्सप्रेस दुर्ग से छपरा तक जाने वाली, तो उसी ट्रेन का हम लोग 3rd AC का इंटीरियर देखने वाले हैं। तो बस ट्रेन आने वाली है, अराइवल देखते हैं, फिर उसके बाद इंटीरियर देखते हैं। और पीछे से बैक लोकोमोटिव जा रहे हैं उस ट्रेन पर। सारनाथ, ताप्ती गंगा, उसका नहीं पता, सारनाथ की है। देखते हैं 3rd AC का वाशरूम कि वाशरूम कैसा है, फिर उसके बाद देखते हैं अंदर का इंटीरियर। आने से पहले सामने आपको मिल जाएगा मिरर, और मिरर तो अभी थोड़ा बहुत गंदा है, और नीचे मिल जाएगा सब पूरा टैप, पानी आ रहा है, और वाश बेसिन एवरेज साफ है, और नीचे डस्टबिन। और ये जो देख रहे हैं, तो जैसा बताया था कि कोविड के बाद कर्टेंस और पेट्रोल की सुविधा चालू हुई, तो वही सब है, पैक हो गया मतलब, क्योंकि ट्रेन अब छपरा पहुंचने वाली है बस थोड़े देर में ही। बिन और नीचे फायर एक्सटिंग्विशर, और अब चलते हैं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में, जो कि कोई गया है, और इस साइड चलते हैं, ये है इंडियन वॉशरूम, इसमें चलते हैं। तो सो गाइस, जिसमें आपको सामने मिल जाएगा एकदम बड़ा सा मिरर, देख सकते हैं इस साइड का मिरर साफ है, और इस साइड का थोड़ा बहुत गंदा है। और यहाँ मिल जाएगा लिक्विड सोप, और लिक्विड सोप आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और यहाँ पे सेविंग प्लग मिल जाएगा, और ये टैप, और पानी आ रहा है, और वॉश मशीन भी एवरेज साफ है यहाँ का भी। और कुछ ये है, ऊपर ट्यूब लाइट है, और इधर हैंगर मिल जाएगा आपको, और ये है ऊपर स्मोक डिटेक्टर, तो धूम्रपान उम्रपान ना करें, नो स्मोकिंग यहाँ पे है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लस मिल जाएगा। तो सो गाइस, कुछ ओवरऑल ये है इंडियन वॉशरूम, तो मतलब कि कह सकते हैं कि 3rd AC का जो वॉशरूम है ना, बस साफ़ सफाई तो एकदम ठीक है, मतलब साफ़ सफाई ठीक नहीं है कह सकते हैं, मतलब वॉशरूम तो ठीक है, बस मेंटेन नहीं किया गया। और ट्रेन आ रही है दुर्ग से, तो बस छपरा पहुंचने वाली है कुछ देर में अप्रॉक्स 2 घंटे में, तो इस वजह से थोड़ा मेंटेन नहीं किया गया है, नहीं तो ओवरऑल वॉशरूम ठीक है। ट्रेन रुकी है अड्यार जंक्शन में, और पीछे देख रहे हैं पकौड़ी की आवाज़ आ रही है, यहाँ का फेमस पकौड़ी है, तो इस रूट से आप लोग जब भी जाएँ तो पकौड़ी पकौड़ी ट्राई कर सकते हैं। और पीछे हम लोग की सारनाथ एक्सप्रेस है, क्या शाम के टाइम एकदम खूबसूरत लग रही है 3rd AC।
दिखाते हैं हम आपको थर्ड एसी का इंटीरियर जो आपसे हम लोग कहा था वीडियो में। तो सामने आपको मिल जाएगा मिरर और इस साइड चार्जिंग सॉकेट, एक दो, इधर भी एक तीन और एक चार, और किसी ने ऑन करके छोड़ दिया है ये, मतलब कि छः बर्थ के लिए साइड अपर और मिडिल और लोअर के लिए चार चार्जिंग सॉकेट सफिशियंट है। और इस साइड मिल जाएगा रीडिंग लाइट जो कि काम कर रहा है अच्छे से, और इस साइड भी एक है, हाँ ये भी कर रहा है। जो कोविड के बाद जो मतलब थर्ड एसी में चेंजेस हुआ है वो चीज़ अब हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ। वो चीज़ ये है थर्ड एसी में, अब मिरर पास कर्टन आ चुका है जो कि ये देख रहे हैं आप, जो ये पहले नहीं था जो कि अब आ चुका है सारी ट्रेनों में, और जो ट्रेन नहीं आया होगा कुछ दिन में वो भी आ जाएगा। और आप ग्रिल ऊपर देख सकते हैं और ऊपर अलार्म, और ये सीट साइड अपर साइड अपर, और ये मिडिल, और ये साइड लोअर, और यहाँ पे आपको ट्रे मिल जाएगा खाने पीने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। तो ओवरऑल यही है, और ऊपर भी रीडिंग लाइट मिल जाएगा और इस साइड भी रीडिंग लाइट, तो ओवरऑल कुछ यही है। और ऊपर एक ट्यूबलाइट मिल जाएगा और एसी वैकेंट। तो सो गाइस ओवरऑल कुछ यही था थर्ड एसी इंटीरियर। साइड में मिल जाएगा आपको साइड अपर और एक नीचे साइड लोअर, उस साइड ऊपर भी एक रीडिंग लाइट है और ऊपर भी चार्जिंग सॉकेट है, मतलब अपर बर्थ के लिए भी और लोअर बर्थ के लिए भी वहाँ चार्जिंग सॉकेट है, मतलब कि सभी पैसेंजर के लिए चार्जिंग सॉकेट है। बस इधर 6 पैसेंजर हैं तो इधर बस 4 चार्जिंग सॉकेट है, मतलब 2 लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको हैंगर मिल जाएगा कुछ सामान वामान टांगने के लिए, रखने के लिए। फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन, और इस वीडियो के भी लास्ट तक हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब कि अब इस वीडियो को हम लोग एंड। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को थर्ड एसी का इंटीरियर कैसा लगा, और बेडरोल और कर्टेंस की सुविधा फिर से आ चुकी है, तो आप लोग कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और नीचे अपनी अभी तक सारनाथ एक्सप्रेस लगी हुई है। और हम लोग चलते हैं अब, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।